So I can see a lot of smiling faces right there, because I guess this is the most awaited video in the channel, and maybe this is the most asked question in the comment section in the channel. So बहुत लोग अपने काम के बारे में disclose नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो disclose करते हैं तो maybe कोई copy ना कर ले, या maybe उन्हें करना नहीं चाहिए. But for me, literally you can see everything online. Almost all of my work or companies, what I do is based on internet or online businesses. Google knows more about me than my own parents, I know. So basically, और एक कड़वा सच ये है कि I don't have a business, I don't have a व्यापार, I don't call my companies as business, I don't call my work as व्यापार, I do not work for money, I work to fuel my own passion, I work to solve bigger problems. So in this video, I'm gonna explain you all of my work, what I do, how I do, all the details for last 10 years. Buckle up! Okay, so details में बात करते हैं. सबसे पहला, 2008 I started my first company, that is Cubesys. So ये company का हमारा main काम है, we develop software, apps, we work on a lot of applications like Joomla, WordPress, Shopify, OpenCart, Magento, ये सब में हम काम करते हैं. Joomla में शायद India में we were the first people to start developing applications. 2008 से मैं बना के बेच रहा हूँ. And 2008 से 2010 तक I was working alone, नहीं 2008 से 2009 तक I was working alone, एक साल अकेले काम किया हूँ, और मे बी 1.5, उसके बाद I started hiring small teams, and I have worked with a ton of people all over the world. Cubesys में बहुत लोगों ने आज तक काम किया है, बहुत सारे जगह से, बहुत सारे कंट्री से लोग काम किए हैं, एंड आज भी हमारा मेन जो काम है, वेबसाइट्स हम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं. हमारा अभी का मेन काम है लास्ट 5 ईयर से ई कॉमर्स डेवलपमेंट. हम लॉ बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हम खुद डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके एप्लीकेशंस बनाते हैं. अगर किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो हमारे स्टोर से छोटा छोटा एप्लीकेशन खरीदते हैं, हम उसका सपोर्ट देते हैं. सो यही है बेसिकली Cubesys का काम. इट्स ए आई टी कंपनी एंड इट्स ऑलवेज बीन into IT. 2008 से 2019 हो गया, almost 11 साल हो गए ये कंपनी. वी आर स्टिल रनिंग इट, वी आर स्टिल ऑफरिंग सर्विसेज, एंड दिस हैज बीन द मेन कोर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. IT ही मेन हमारा जो बेस है वो IT है, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है उसमें IT प्लेज द मेन रोल. बहुत सारा डिजाइन, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, बहुत सारा सब कुछ करना पड़ता है, एंड वो सब यही कंपनी के अंडर में होता है. अभी लास्ट 2-3 साल से, मे बी 4 साल से, हम ज़्यादा क्लाइंट्स के काम Cubesys के अंदर नहीं करते, क्योंकि मेरा इतना सारा अलग अलग कंपनीज अभी आ गए हैं, वो सब का कंपनीज का छोटा छोटा काम करते करते Cubesys का खुद का क्लाइंट्स का काम लेने के लिए हमें टाइम नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, Cubesys में बहुत सारा छोटा छोटा एप्लीकेशन बना के बेचते हैं, उसका सपोर्ट देते हैं, फिर अपना जो वेबसाइट्स के काम है वो सब अपन करते हैं, और उसके साथ जो भी क्लाइंट्स का फिर नया काम आता है उसके अंदर वही होता है. सो बेसिकली इट्स आईटी कंपनी हु स्पेशलाइज इन टू ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट टिल नाउ सिंस लास्ट 11 इयर्स. सो दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी एंड इट्स स्टिल रनिंग. देन 2010 I started the second company, that is Photozone Productions. So in Photozone, we basically do big weddings, big events, corporate shoots, and we have had clients like Audi, Mercedes, Budweiser. We have worked with all of those brands and bahut sare weddings. Till now, maybe we have done like 250 or 300 weddings in last 10 years. बहुत सारा वेडिंग्स गया है, अभी मेरे को याद भी नहीं इतना सारा हो गया है वेडिंग्स, और बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के वेडिंग्स, इवेंट्स, कॉर्पोरेट शूट्स. मैं खुद भी जाता हूँ बहुत सारे प्रीमियम पैकेजेस. इफ़ यू गो टू माई वेबसाइट, वी हैव लाइक 3 पैकेजेस, बेसिक, प्रीमियम एंड बहुत सारे ऐसे पैकेज है. जो प्रीमियम वाला पैकेज है उसमें मैं खुद प्लान करता हूँ, खुद डायरेक्ट करता हूँ. सो वो वाले वेडिंग्स, इफ़ यू हैव समवन हु इज गेटिंग मैरिड विद ए नाइस बिग वेडिंग, यू नीड टू हायर मी, क्योंकि बहुत अच्छे से प्लान होता है. इफ़ यू हैवेंट सीन माई लास्ट वीडियो, सम लास्ट वेडिंग वीडियोज, गो एड एंड चेक इन माई चैनल. लास्ट वेडिंग विच आई डिड, इट वॉज समवेयर अराउंड 12-13 करोड़ का वो शादी था. हमने उतना नहीं लिया, वो टोटल वेडिंग का बजट उतना था, एंड दैट वेडिंग वॉज कम्प्लीटली कवर्ड बाई मी. सो इफ यू आर गेटिंग मैरिड एंड इफ इट्स अ लैविश वेडिंग, यू नीड टू हायर मी. सो दैट वॉज माई सेकेंड कंपनी. थर्ड कम्स इज SBK Stores. This deals with super bike and super cars, accessories, parts, gear and all of those stuff. So 2013 mein got my first bike, that was Harley Davidson 48,
एंड तभी मेरे को लगा कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये गियर्स का। लोग बाइक तो खरीदते हैं, मतलब 10-12 लाख 20 लाख 30 लाख का बाइक खरीदते हैं, बट सेफ्टी गियर वही चिलर 2000-3000 वाला पहनते हैं, और जब एक्सीडेंट हुआ भाई साहब ऊपर चले गए। सो सेफ्टी वॉज ए बिग कंसर्न एंड मुझे लगा ये पार्ट को खुद जाके ही आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्टेड SBK स्टोर इन 2014 एंड SBK स्टोर इज मे बी द बिगेस्ट स्टोर राइट नाउ इन इंडिया। I would not call it the biggest, but we are one of the most famous store. We have got many customers online. बहुत लोग almost India के जितने riders, super bike riders है, कोई भी किसी को भी पूछ लो वो SBK स्टोर से आज तक कोई ना एक सामान तो वो खरीदा होगा, अगर नहीं खरीदा होगा इंक्वायरी तो वो किया होगा। तो SBK स्टोर स्टिल रन्स एंड वी डील विद ऑलमोस्ट ऑल द सुपर बाइक पार्ट्स, गियर्स, एक्सेसरीज। It's an online store and we get a lot of customers every day. So if you are getting into a super bike or super car stuff, you need something, you need to buy from my store. Then fourth company which I started in 2015 was JetSpot. So we are a ISP with Odisha license. So in my whole state, I have the license. मैं जब स्टार्ट किया तब इंटरनेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं खुद ये भी मेरे ओन प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। मेरे ऑफिस में जो इंटरनेट थे वो काम नहीं करते थे, वो ऑलवेज डिस्कनेक्ट होते थे और मेरा हर काम इंटरनेट बेस्ड है, वो पूरा रुक जाता था। मेरे को लगा यही करना पड़ेगा टू सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम एंड सिंस पीपल ट्रस्ट मी, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो बहुत लोग मेरे कस्टमर्स बनेंगे। सो JetSpot वॉज स्टार्टेड इन 2015 एंड नाउ ऑलमोस्ट होल सिटी भुवनेश्वर, almost everyone knows about JetSpot. You call them for internet service, they know it's JetSpot they need to go for. So everyone knows about JetSpot. That's what I wanted to tell. So 2015 mein JetSpot start hua, abhi shayad almost 4 saal ho gaye JetSpot ko and it's still running. Then 2017 mein I started JetCloud because ye aur ek bada problem tha, bahut logon ka websites to rehta hai but wo होस्ट कहाँ करेंगे हमें मालूम नहीं रहता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि गो डैडी होस्ट गेटर में $2-3 देके होस्ट कर देते हैं फिर चलेगा, यही सबसे चीपेस्ट, बट उसमें भी बहुत सारा हिडन क्लॉज एंड हिडन प्रॉब्लम्स है। लोगों को वो मालूम नहीं चलता, जब इतना चीप में मिलता है वो कुछ भी खा लेंगे, गू भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट चीप मिलता है तो वो सब कुछ उनके लिए चलता है। तो मेरे को लगा ये प्रॉब्लम भी जाके सॉल्व करना चाहिए। सो JetCloud वॉज स्टार्टेड इन 2017 एंड वी आर स्टिल रनिंग विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन बोथ ऑफ आवर SSD एंड HDD सर्वर्स। वी हैव लाइक 100 to 150 क्लाइंट्स राइट नाउ। वी डोंट मार्केट स्टफ और वी डोंट मार्केट ऑल एनी ऑफ आवर ब्रांड्स, हम वेट करते हैं कस्टमर हमारे पास आए, क्योंकि अगर कस्टमर के पास हम गए वो बहुत क्वेश्चन पूछेगा। तो कस्टमर को आने दो एंड लेट him take our services, then he will know how it works. So JetCloud was started in 2017 and it's still running. And then I started Image Card, that is for my wife, that's not my own business, I just set it up for her. So basically she's a commercial artist who does a lot of paintings and a lot of artwork, and we get it exported to other companies or other countries, other clients, other contractors all over the world. Till now we have exported to like 3-4 countries and India mein bhi sale hota hai, but India mein art ka zyada matlab popularity nahi hai, log itna zyada paisa kharcha nahi karte art mein, but bahar iska bahut zyada market hai. So slowly my wife is gaining the traction because I am not getting time to help her, but she is doing her own stuff, so I just set it up the business and let her handle her own stuff. Then I started My Stock in 2018. It's my own merch store, so basically yahan main खुद टी शर्ट डिज़ाइन करता हूँ, मेरी वाइफ का पेंटिंग्स वो भी वहाँ सब लिस्टेड है, मेरा प्रीसेट्स, लाइट रूम प्रीसेट्स, फाइनल कट प्रो प्रीसेट ये सब भी वहाँ आएगा, प्रीमियर प्रो प्रीसेट ये सब वहाँ अपलोड होगा। सो बेसिकली दिस इज माई ओन पर्सनल स्टोर, वहाँ पे आप सब जाके मेरा जो पर्सनल चीज़ें हैं वो सब आप खरीद सकते हो। टी शर्ट जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, ये जो खुद मैं पहना हूँ, ये सब मेरे ओन स्टोर से है। सो दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड माई स्टॉक एंड इट हैज़ बीन डूइंग ए लॉट ऑफ गुड सेल्स सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। सो बेसिकली My stock has been doing good and all of my companies do good because I personally spend a lot of time on each of my company. कोई भी ऐसा नहीं कि मैं बना के छोड़ दिया और ऑटोमेशन में छोड़ दिया। हर कंपनी के लिए मेरे को टाइम देना पड़ता है, हर कंपनी के लिए मेरे को 2-3 घंटा निकालना पड़ता है। दैट इज द रीजन आई वर्क फॉर 20 आवर्स। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इतना घंटा क्या काम करते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड माई पार्ट ऑफ द लाइफ, इतने सारे कंपनीज है सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है। देन अगेन टीम वर्क, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, बहुत सारे काम लगते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड कैम रेंट इन 2018, क्योंकि इतने 10 साल में मेरे पास बहुत ही वीडियो एंड फोटो गियर हो गए। सो मैं सोचा कि चलो जितने भी लोग हैं जो वेडिंग्स होता है, बहुत लोग ऐसे ही मैसेज करते हैं कि हमें ये रेंट में चाहिए, वो रेंट में चाहिए, तो वो एक वेबसाइट में कर दिया साइट पे, उसमें सब हमारे जो गियर है वो सब लिस्टेड है। तो अगर किसी का वेडिंग्स हो रहा है भुवनेश्वर में, कटक में,
उड़ीसा के अंदर कोई भी जगह में हो रहा है वो हमसे ये सामान लेके रेंट पे लेके यूज कर सकता है, फिर हमें बैक दे सकता है. ऑल्सो इफ समवन वांट्स ए फ्रीलांसर दे कैन हायर फ्रॉम माय ओन टीम. सो कैम रेंट, दैट्स व्हाट इट बेसिकली डज, इट गिव्स द फोटो एंड वीडियो गियर ऑन रेंट एंड फ्रीलांसर्स ऑन रेंट एज वेल. एंड देन इट कम्स टू ऑटो कवर्स. ये 2019 में स्टार्ट हुआ, अभी तक ये फुल्ली फंक्शनल हुआ नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू गेट इनटू अ स्पाइक बाय नेक्स्ट मंथ. सो ये और एक बड़ा वाला प्रॉब्लम था, मैं बहुत ढूंढा अपने कार और बाइक्स के लिए कवर्स चाहिए बट कहीं भी कवर्स मिल नहीं रहा था. सो वेंट अहेड एंड डिड माय ओन रिसर्च. इसके लिए मैं और एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हियर इज द लिंक, गो अहेड एंड चेक इट आउट. सो ऑटो कवर्स विल बी लाइव बाय नेक्स्ट वीक. सो ये और एक कंपनी है. एंड देन इट कम्स टू माई ओन दिस यूट्यूब चैनल. दिस इज माई ओन पर्सनल स्पेस, क्योंकि और जो कंपनीज है उसमें बहुत टाइम लगता है, YouTube में भी बहुत टाइम लगता है, बट YouTube इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट एनिमल. YouTube इज मतलब बहुत ही स्लो वाला चीज़ है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. सो आई एम जस्ट गिविंग माई ओन टाइम, जस्ट टेकिंग माई ओन टाइम डूइंग स्टफ. आई एम जस्ट वेटिंग पेशेंटली फॉर द स्पाइक, फॉर द ट्रैफिक टू कम एंड एक्सप्लोर द चैनल. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू जस्ट गेट इन द चैनल, और जस्ट मतलब ये चैनल को वो लोग देख लें, उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसके लिए मेरे को बहुत घंटा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम लगता है ये सब करने में. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू सी द चैनल, एंड वंस दे डू द चैनल इज गोइंग टू गेट इनटू अ स्पाइक एंड गेट इनटू द बूस्ट. सो दैट्स बेसिकली ऑल द कंपनीज व्हाट आई बेसिकली डू. सो बहुत लोग जो पूछते हैं भाई करते क्या हो, क्या करते हो, के ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इतना टाइम क्या करते हो, IT, इंटरनेट, हॉस्टिंग, फोटोज, वीडियोज, कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक फुटेजेस, फिर घूमना, स्पॉन्सर्स, बहुत सारे ऐसे काम है. मेरे को पूरा होल टाइम निकल जाता है ये सब काम करके. तो आपको अगर लगता है कि इतने ज़्यादा काम कैसे करते हो, तो उसका और एक वीडियो बनेगा कि कैसे आई स्टे आउट ऑफ द कंप्लीट नेगेटिविटी एंड कंप्लीटली स्टे फोकस्ड फॉर लाइक 16-17 आवर्स इन ए डे. So this is the video which everyone asks, like क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो. I just wanted to go ahead and do this video. I just hope this video explains all of your questions. If you have got still any question, just let me know in the comment section below. Smash the subscribe button if you haven't done it yet, and don't forget to click on the bell icon to stay updated. I will see you in my next video.